गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि बुडानी आईएएस अपनी तरफ से एक न्यू एनालिसिस सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पूरा पैटर्न पता है कि जब हम लोग यूपीएससी और आरपीएससी के लेवल की चर्चा करते हैं तो जो सिलेबस का महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है वो करंट पर्सपेक्टिव होता है, यानी हर सवाल जो होता है वो करंट पर्सपेक्टिव होता है। और एक ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है हर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव, या हम हर एस्पिरेंट्स की चर्चा करें तो उनके पर्सपेक्टिव में। ऐसे में इस करंट पर्सपेक्टिव टॉपिक्स पे हम लोग आज से एक सीरीज शुरू करेंगे। आज थोड़ा समय तकनीकी कारणों से अलग रहा, कल से हम लोग शाम 7 बजे हर जो तत्कालीन दिन का मुद्दा होगा उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक पूरे वीक की लिस्ट आपको, सब्जेक्ट लिस्ट पहले से ही दे दी जाएगी कि किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अलग अलग विशेषज्ञ आपसे जुड़ेंगे और इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जब हम लोग आज इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं तो मैं आप सबको एक विशेष तौर पर राय देना चाहता हूं कि जिन फैक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं या जिस करंट ट्रेंड की हम लोग बात कर रहे हैं, इन सभी को नोट डाउन करें। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट होगा। और जो सामान्य मेरे दोस्त याद ने जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो अपने किसी ज्ञान के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहें तो उनके लिए लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पर ऐसे मुद्दों पर अपने विचार और समझने की हमें सख्त ज़रूरत है। आजकल एक प्रोपेगेंडा सा चल रहा है और अलग अलग मॉड्यूल पे आप न्यूज़ चैनल पर भी देख रहे हैं, सुबह से एक अलग माहौल राष्ट्र में उत्पन्न किया जा रहा है ना। हम हर उस पहलू पर चर्चा करेंगे, चाहूँगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मुद्दा समझा सकूं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। सबसे पहले जब हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं तो आज की कुछ खास खबरों पर नज़र बनाते हैं जो उपयोगी हैं आज के दृष्टिकोण में। आपने देखा कि 12 से 13 दिन पहले पुलवामा में एक हमला हुआ और इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है गुट ने, जैश ए मोहम्मद ने। जब हम लोग जैश ए मोहम्मद की बात करते हैं तो एक गुट है अजर महसूद के द्वारा इसे विकसित किया गया था। मौलाना अजर महसूद वही आतंकवादी है जिसने विशेष तौर पर प्लेन हाईजेक भारत में किया गया था और उस प्लेन हाईजेक के बाद इस व्यक्ति को रिहा करवाया गया था। तो मौलाना अजर महसूद पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हो कि उनकी ताकत है ना, इनकी जो पावर है उस पावर के बेसिस पे इन लोगों ने कश्मीर के युवाओं को काफ़ी हद तक आतंकवाद के रास्ते पर फैलाया है। भारत सरकार ने इस हमले का सबसे पहले जवाब दिया अपनी नरम नीति से और आप कह सकते हो अपनी कूटनीतिक नीति से। इस नरम नीति के तहत हम लोगों ने इनको MFN का दर्जा रद्द किया ना। ये MFN का दर्जा भारत सरकार ने पाकिस्तान को 1996 में दिया था, 1996 में ये MFN का दर्जा दिया गया। और इस MFN के दर्जे के तहत हम लोग इनको व्यापार में कुछ मुद्दों पर प्रीफ्रेंस देते थे, पर भारत सरकार ने इस आतंकवादी हमले के जवाब में इसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। परसों सुबह 3:30 बजे देश की वायुसेना ने अपने 12 मिराज विमान के साथ में आक्रमण किया। मिराज 2000 का प्रयोग किया गया और हमने एक एयर स्ट्राइक की जिसे भारत सरकार ने अपने पर्सपेक्टिव में प्रिवेंटिव एयर स्ट्राइक बताई है। प्रिवेंटिव एयर स्ट्राइक का अर्थ है कि भारत सरकार टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी। भारत सरकार के प्रवक्ताओं ने और सेना के अध्यक्षों ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि हमारा जो अटैक का मॉड्यूल था, हमने किसी मिलिट्री एरिया या सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया, हमने POK में उन टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है जो बेसिकली टेररिज्म को स्प्रेड करते थे और जिसमें सबसे बड़ा अहम योगदान जिस क्षेत्र का है, ठीक है, अजर महसूद के जैसे मोहम्मद सरगना, जैसे मोहम्मद का एक मुख्यालय या आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप था ना। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 300 से 350 आतंकवादियों को हमने इस हमले के माध्यम से नष्ट किया है। मिराज 2000 के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो मिराज 2000 असोल्ट कंपनी के द्वारा ही निर्मित किया गया है, वही असोल्ट जो राफेल निर्मित कर रही है और अभी विवादों में है। इस असोल्ट कंपनी ने इस विमान को 1978 में डेवलप किया था। 1978 में डेवलप करने के बाद मिराज 2000 को 1985 में इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस मिराज को ख़रीदा। भारत सरकार के साथ साथ
दुनिया के 8 अन्य राष्ट्र भी हैं जो इस मिराज का प्रयोग करते हैं। और जब हम इन मुद्दों पर बात करेंगे तो ये मिराज एक सिंगल स्टेज का फाइटर प्लेन है, फोर्थ जनरेशन का है, और ये सरफेस टू सरफेस यानी हवा में रहते हुए हवा में मारने की क्षमता रखता है, और ये सरफेस टू एयर की क्षमता रखता है। ये बहुत भारत की बहुत बड़ी ताकत है। यही कारण है कि 12 मिराज ने 1000 किलो से भी अधिक हथियार का प्रयोग करते हुए दुश्मन के अड्डों को नष्ट किया है। एक तो सरफेस टू सरफेस है, दूसरा सरफेस टू एयर है। इसका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है जो दुनिया में हमें अलग साबित करता है वो ये है कि इसको हम रिफ्यूल कर सकते हैं हवा में रहते हुए ही, यानी एयर रिफ्यूल सिस्टम कैपेबल है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो एयर टू एयर रिफ्यूल कैपेसिटी ये रखता है। सबसे पहले हमने इसकी ताकत का अंजाम कारगिल 1999 के वॉर में देखा था। उस दौरान ने भारत सरकार ने इस विमान का प्रयोग कर काफ़ी हद तक अपनी युद्ध की परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया था। भारत सरकार ने इसका नाम भारत में वज्र रखा है और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। इसके जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि मिराज 2000 नामक 12 फाइटर प्लेन हमारे हवाई क्षेत्र में 60 किलोमीटर से भी अधिक हमारी सीमाओं में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद इन लोगों ने हमारे आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया है और काफ़ी हद तक बमबारी की गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस बयान को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है, तो ये प्रमाणित करता है कि भारत की तरफ से किया गया एयर स्ट्राइक कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखता है। ये राष्ट्र के लिए एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक था। जब हम करंट के प्रस्पेक्टिव तीसरी न्यूज की चर्चा करेंगे तो हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिणी कोरिया की तरफ से सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये सियोल शांति पुरस्कार हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है उस परिस्थिति में जब इस तरीके का वातावरण जो पिछले 5-7 दिनों से इस राष्ट्र में विकसित है, इस वातावरण के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो ये शांति पुरस्कार साउथ कोरिया प्रत्येक 2 वर्ष में देता है। हालांकि जब आप इसको तथ्यों के आधार पर पढ़ोगे तो कोरियन रिपब्लिक लिखा मिलेगा, क्योंकि साउथ कोरिया 1953 से नॉर्थ कोरिया से अलग है, परंतु अपने आप को दुनिया के स्तर पर अलग नहीं बताता है, आज भी यूनाइटेड कोरिया की ही बात करता है। प्रत्येक 2 वर्ष में ये पुरस्कार दिया जाता है। लगभग $2,00,000 की राशि इसमें दी जाती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व पटल पर ऐसा प्राप्त करने वाला विश्व का पहला राजनेता है जो बहुत बड़ी अहम योग्यता रखता है। और इसे प्राप्त करने के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार की सारी राशि को नमामि गंगे परियोजना के तहत दान कर दी है। उन्होंने सारी अपनी इस राशि को नमामि गंगे परियोजना में दे दी है। नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार विश्व की अर्थव्यवस्था में शांति कायम करने के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिया गया है, विश्व में शांति और आर्थिक विकास के लिए दिया गया है, जो हमारे लिए एक सकारात्मक चिन्ह है। यानी पूरे विश्व की राजनीति भी ये स्वीकार कर चुकी है कि भारत का वर्तमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व है केवल भारत का ही विकास नहीं कर रहा है, वो भारत के साथ संपूर्ण विश्व के विकास में भी अहम योगदान रखता है। ये वो कुछ प्रमुख मुद्दे थे। 1990 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो बात कही है वो भारत के दृष्टिकोण में अति उपयोगी है। नरेंद्र मोदी के अनुसार विश्व में पर्यावरण और आतंकवाद 2 प्रमुख चुनौतियां हैं जो वर्तमान विश्व की अर्थव्यवस्था इस मुद्दे के साथ गुजर रही है, तो हमें ज़रूरत है कि इस आतंकवाद को नष्ट करने से ही संपूर्ण शांति को हम लोग कायम कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले 14वें व्यक्ति हैं, 14th पर्सन है पूरे वर्ल्ड में जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाएगा और भारत के लिए एक विश्वसनीय पहल पर एक महत्वपूर्ण कदम दुनिया की तरफ से हमारे लिए रखा गया है। इन सभी मुद्दों के साथ एक आखिरी न्यूज जो कुछ समय से चल रही है, इस पर विस्तृत तौर पर तो हम लोग कल चर्चा करेंगे, पर ये कुछ दिन समय से ही 2-3 घंटे से काफ़ी हावी हो चुकी है। आज सुबह पाकिस्तान की आर्मी ने एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय जगत पे अपनी खराब हो चुकी छवि को कुछ हद तक सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट इस तरीके का किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक करने के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जब हम
नेक्स्ट टॉपिक पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे, तो उस दौरान मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा, पर सामान्य तौर पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की राजनीति में पूर्णतः राजनीति का नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान का 60% रिवेन्यू उनकी आर्मी के अधीन होता है। वहाँ पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो 4 प्लेयर हैं जो एक्टिवली प्ले करते हैं। एक उनमें आर्मी है, दूसरा टेररिज्म है, तीसरा वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, और चौथा जो है वो एनजीओ है, ये जितने भी एनजीओ वहाँ काम करते हैं। जब हम इन 4 मुद्दों की चर्चा करते हैं तो इनमें इनकी आर्मी हमारी हवाई हमलों को जवाब देना चाहती थी, जवाब देना उनकी आवश्यकता भी थी और मजबूरी भी थी। पर दुनिया का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भारत ने क्रिएट किया है, जब पुलवामा हमला हुआ उस हमले के तुरंत बाद 25 राष्ट्रों के विश्व जो राजदूत हैं और जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ देश की चर्चा हुई, उस चर्चा में संपूर्ण दुनिया ने एक विस्तृत तौर पर भारत को सहयोग देने का वादा किया था। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि भारत कुछ बड़ा करने का सोच रहा था, और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इस तरीके का सार्वजनिक बयान देने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव बढ़ चुका था। उस दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने यूएनओ में अपना पक्ष रखा और उन्होंने भारत के अग्रेशन के लिए एक अप्लीकेशन दायर की है। उनकी विदेश मंत्री रक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है कि इंडिया ने जो अग्रेशन किया है ये कोई प्रिवेंटिव स्ट्राइक नहीं था, एक अग्रेशन था। पड़ोसी राष्ट्र ने सीज फायर के समझौतों का उल्लंघन किया है और उल्लंघन कर पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दी है, पर अंतर्राष्ट्रीय जगत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत ने इस मुद्दे पर एक चर्चा रखी है, वो चर्चा यह है कि संप्रभुता आतंकवाद की आड़ में किसी राष्ट्र को नहीं दी जाएगी। जल्द भारत इस क्षेत्र में भी अपना पक्ष मजबूत करने की सोच रहा है, और इसी पूरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में जब राजनीतिक विफलता हुई है तो इनकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आज F-16 फाइटर प्लेन्स का प्रयोग किया। F-16 वो फाइटर प्लेन है जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे, और उन F-16 फाइटर प्लेन्स की जब मिराज 2000 से दुनिया तुलना करती है डिफेंस परस्पेक्टिव में, ठीक है, तो कहा जाता है कि काफ़ी हद तक आधुनिक हथियार होता है F-16। पर जब F-16 की बात करोगे तो भारत की सीमाओं में 3 F-16 के प्रवेश करने की बात कही गई। 3 से 4 किलोमीटर भारत की सीमाओं में वो अंदर आ चुके थे। भारत की नौसेना के जवानों ने उसका रिस्पोंड किया, और रिस्पोंड करने के बाद जिस तरीके की कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। और उनका एक F-16 आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, परंतु भारतीय अधिकारियों ने इसे स्पष्ट किया है, उनका एक F-16 POK के क्षेत्र में ध्वस्त कर दिया गया है। और उस विमान का पीछा करने के दौरान भारत का MiG-21 उड़ाने वाले एक पायलट अभिनंदन उस पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, और उस मिग के क्रैश होने के बाद वो वहाँ सुरक्षित लैंड कर चुके हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इस मुद्दे पर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी पिछले 2 घंटे से फेसबुक पर एक व्यवस्थाएं उत्पन्न की जा रही है, या आप कह सकते हो एक राजनीतिक दबाव उत्पन्न किया जा रहा है। इस राजनीतिक दबाव के अनुसार कुछ लोग जेनेवा संधि की बात कर रहे हैं, जेनेवा संधि के तहत उसका प्रचार किया जा रहा है कि हमारे पायलट को सकुशल वापस लौटाया जाएगा, और लौटाने का रीजन ये होगा कि एक संधि के अनुसार युद्ध के दौरान अगर कोई भी सैन्य व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी रिहाई होती है। पर पहले तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी तरीके का घोषित युद्ध नहीं है, ठीक है, तो जेनेवा संधि जैसा मुद्दा इस परिस्थिति पर लागू नहीं होगा, और ये एक अग्रेशन माना गया है पाकिस्तान की तरफ से, पर दुनिया ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर होगा जो जेनेवा संधि को लागू होने से रोकेगा और पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। पर जिस तरीके का वीडियो वायरल किया गया है उसके चंद घंटों के बाद जब पाक उच्चायुक्त को दिल्ली के अंदर समन भेजा गया और भारत सरकार और विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा सलाहकारों ने उन पर राजनीतिक दबाव बनाया है, उस दबाव के बाद पाकिस्तान ने इस मुद्दे को स्वीकार किया है। पाकिस्तान का मानना है कि वो पायलट उन्होंने ही उनकी क्षेत्र में था, उनको सकुशल हमने गिरफ्तार किया है, उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता थी वो हमने दी है, और पाकिस्तान ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इस चीज़ को स्वीकार किया है कि उनके साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, और एक अच्छे व्यवहार का वीडियो भी जल्द जारी कर दिया गया है। तो इस तरीके की अफवाहों को फैलाने से पूर्व मेरी राय में आपको इन मुद्दों को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान उस परिस्थिति में नहीं है कि वह किसी भी कठोर निर्णय को ले सके। राजस्थान की वो
पाकिस्तान की वो समता नहीं है कि पाकिस्तान वर्तमान समय में कि भारत को किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा सके। इसलिए राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास हम जैसे योग्य व्यक्तियों को और सभ्य समाज को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को उस व्यक्ति को छोड़ना ही होगा, भारत पूर्णतः प्रयासरत रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त को समन भेजा है, ये साबित करता है कि भारत इस कदम इस दृष्टिकोण में कदम उठा रहा है। तो जल्द कामना करता हूँ कि हमारा एयर कमांडर जल्दी इस भारत में प्रवेश करेगा और उसके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। यह आश्वासन पाकिस्तान ने दुनिया को भी दिया है और दुनिया किसी भी परिस्थिति में यह स्वीकार करेगी भी नहीं, क्योंकि आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला भी सुना, कुलभूषण यादव जैसे व्यक्ति को भी रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। इन सब के साथ साथ जब हम आज के मुद्दे की चर्चा करते हैं तो पाकिस्तान की पॉलिसीज को लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कश्मीर का इशू। जब हम लोग इस कश्मीर के मुद्दे की बात करते हैं तो ये सारी कहानी यहीं से शुरू है। हम लोग एक आउटलाइन मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्जाम परस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट है और हमें इस पर चर्चा करनी है। आउटलाइन की बात करोगे तो एक तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है कि क्या कश्मीर का मसला है, किस तरीके से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि एक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बहुत से मुद्दों पर डेवलप हो रहा है ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के साथ हमें यह देखना है कि आर्टिकल 370 का प्रोविजन क्या है, अनुच्छेद 370 क्या है, प्रोविजन के साथ इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, और सबसे बड़ी बात है अभी ये न्यूज में क्यों है। इसके साथ साथ जब हम लोग यूपीएससी और आरपीएससी के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक अप्रोच भी डेवलप करना पड़ता है। अप्रोच ये कहता है कि हमारी राय में इसे हटाना चाहिए कि नहीं, या क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके का निर्णय लेना चाहिए, उन सभी मुद्दों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब सबसे पहले हम लोग कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर से पहले हमें एक आधिकारिक तौर पर 3 अगस्त 1947 को डिवीजन डिक्लेयर कर दिया गया था, एक पार्टीशन डिक्लेयर कर दिया गया था, और उस पार्टीशन के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की थी जिसको हम लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। इस आदमी ने पूरी दुनिया के सामने टू नेशन थ्योरी रखी, दो राष्ट्र का सिद्धांत रखा। इस टू नेशन थ्योरी के तहत एक राष्ट्र इंडिया होगा और दूसरा राष्ट्र पाकिस्तान होगा, ये दो कंट्रीज होंगी। इसके साथ साथ जो भी देशी रियासत है, देशी रियासत वो क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया था, अप्रत्यक्ष शासन किया था। तो जब उन अप्रत्यक्ष तौर पर इन रियासतों पर शासन किया गया था, इन रियासतों को छूट दी गई थी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के अनुसार। मेरे हर शब्द को इस एग्जाम परस्पेक्टिव आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सुनना होगा कि देशी रियासतें या तो भारत में शामिल हो सकती हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, या फिर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रख सकती हैं। ये इंडिपेंडेंट रखने का प्लान तो उनकी प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ ही शुरू हो चुका था, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था, पर इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन पर जब भारतीय सरकार की तरफ से ना सरदार पटेल राज्य विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने अनेक बैठकें की, उन बैठकों के बाद एक निर्णय लिया गया कि जितनी भी देशी रियासतें हैं वो या तो भारत जा सकती हैं या पाकिस्तान जा सकती हैं, या फिर अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं, परंतु स्वतंत्र रखने के पीछे एक शर्त रखी गई कि आपकी ज्योग्राफिकल सर्कमस्टांसेज यानी आपकी भौगोलिक स्थिति उसके पक्ष में होनी चाहिए। अगर आप भारत का कोई मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे हैदराबाद की बात करूंगा, तो आपको स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप मध्यवर्ती क्षेत्र हो, भौगोलिक परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, इसलिए एक ऐसा लक्ष्य रखा गया। इस पूरी परिस्थिति के अनुसार सबसे पहले जम्मू कश्मीर के शासक ने एक निर्णय लिया। तत्कालीन शासक था राजा हरी सिंह डोगरा, और एक हिंदू शासक था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर रियासत की बात करोगे तो उसमें 77% पॉपुलेशन, 70% जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम जनसंख्या थी। ऐसे में एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, इस मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट का रूलर एक हिंदू था, और राजा हरी सिंह ने निर्णय लिया कि जो कम्युनल डिवीजन हुआ है, क्योंकि देखो आज हम लोग हो सकता है पंथ निरपेक्ष माने जाते हों, पर डिवीजन कम्युनल था जो 100% श्योर था, कि जो कम्युनल डिवीजन हुआ है जिसमें एक हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र बना है, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना है, तो ऐसे में दोनों में से किसी एक के साथ जाने में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी राजा हरी सिंह को, क्योंकि वो एक हिंदू शासक था,
जो 70% से अधिक मुस्लिम प्रजाति को शासक कर रहा था, एक मोनार्की आप कह सकते हो। लेकिन जब भी आप इतिहासकारों के विषयों पर चर्चा करेंगे या राजा हरि सिंह की पृष्ठभूमि को अध्ययन करेंगे, तो एक ऐसा तानाशाह आप नहीं कह सकते हो जिससे जनता खुश नहीं थी, एक शासक था जिससे जनता खुश थी, अन्यथा इसका विद्रोह भी किया जा सकता था इस 1947 के डिवीजन में। राजा हरि सिंह ने निर्णय लिया कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे, पर स्वतंत्र रखने के साथ एक चुनौती थी कि उस दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कश्मीर की जो लोकेशन थी वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, भू रणनीतिक महत्व वाली, यानी दुनिया के किसी भी राष्ट्र के लिए इसकी उपयोगिता बहुत अधिक हो सकती थी। तो ऐसे में इस पूरी परिस्थिति को अपने पक्ष में रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए राजा हरि सिंह के लिए बेहद जरूरी था। राजा हरि सिंह ने इस भू रणनीतिक महत्व का प्रयोग किया, जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस का प्रयोग किया। वो जानते थे कि बगल में एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान होगा, दूसरी तरफ एक सांप्रदायिक आधारित राष्ट्र हिंदुस्तान होगा, एक तरफ सोवियत संघ जैसी परिस्थितियां थी तो दूसरी तरफ चाइना जैसी, और एक मध्यवर्ती क्षेत्र था जो जम्मू कश्मीर था। इस जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को सुरक्षित रखने के लिए एक समझौता रखा अगस्त के महीने में, और उस समझौते को हम लोग कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। यानी राजा हरि सिंह ने उस समय स्वीकार किया कि 15 अगस्त 1947 को ना तो मैं हिंदुस्तान का भाग बनूंगा ना ही मैं पाकिस्तान का भाग बनूंगा, कारण है मेरी भौगोलिक और जो जननांकीय परिदृश्य है, यानी जो डेमोग्राफिक डिवीजन है, 77% पॉपुलेशन मुस्लिम है, मैं खुद हिंदू हूँ, ऐसे में मैं दोनों ही स्टेट से डिफरेंट करूंगा क्योंकि दोनों ही कम्युनल बेस्ड स्टेट हैं, और बस दोनों से अलग रहने के साथ साथ मैं किसी तरीके की दोनों से दुश्मनी भी नहीं रखूंगा, मैं दोनों ही स्टेट्स के साथ दोस्ती की शुरुआत करूंगा। उस दोस्ती की शुरुआत के लिए उन्होंने एक समझौता रखा जिसको हम लोग स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में व्यापार होगा, परिवहन होगा, लोगों का आवागमन होगा, हर तरीके का एक व्यवहार होगा, और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान यानी इंडिया के बीच में भी इसी तरीके का हम लोग समझौता रखते हैं। परंतु पाकिस्तान ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया और अगस्त के महीने में ही पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। ये ध्यान देने योग्य विषय है कि पाकिस्तान वो पहला राष्ट्र था जिसने राजा हरि सिंह के समझौते को स्वीकार किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को स्वीकार किया। जब हम लोग बात करें इंडिया की तो पंडित नेहरू ने इस थ्योरी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पंडित नेहरू किसी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के साथ नहीं गया। पंडित नेहरू का मानना था कि जम्मू कश्मीर का विलय किसी भी परिस्थिति में भारत में होना चाहिए, और जब आप इतिहासकारों की बात करोगे तो उन्होंने एक शब्द लिखा है कि सभी रियासतें सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत में विलय हुई, परंतु जब जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण की बात करोगे तो एक विशेष लगाव दिखाया गया था पंडित नेहरू की तरफ से, और अपने आप को फ्रंट फुट पे रखा गया था पंडित नेहरू की वजह से। ऐसे में भारत सरकार ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को स्वीकार नहीं किया और जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया, व्यापार परिवहन आवागमन पुनः शुरू कर दिया गया। आप कह सकते हो कि दोनों क्षेत्रों के बीच में एक दोस्ती स्थापित होना शुरू हो चुकी थी। उधर पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान ने इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को स्वीकार नहीं किया, हालांकि राजा हरि सिंह ने जो थ्योरी दी थी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के पीछे, वो थ्योरी ये थी कि वह पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के साथ अभी यथावत स्थिति में रहेंगे, अर्थात ना हिंदुस्तान का भाग बनेंगे ना पाकिस्तान का भाग बनेंगे, हम लोग वर्तमान में एक दोस्ती की शुरुआत करेंगे, विश्वास निर्माण होने के बाद हम आपके साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, इस पर निर्णय लिया जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कि यथावत स्थिति में हम लोग एक समझौता करते हैं, वो समझौता दोस्ती का होगा जिसके तहत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास निर्माण प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इससे राजा हरि सिंह के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने स्वीकार किया, भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पूरी पृष्ठभूमि को हमें आगे डिटेल में समझने के लिए मेरी राय में आपको एक जम्मू कश्मीर का नक्शा समझने की जरूरत है। जब आप इस नक्शे की बात करोगे तो ये जितना भी ग्रीन वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है इस पूरे नक्शे में, इसको हम लोग पीओके कहते हैं। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, या आज तुम सुबह से न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे कि इस पर आईओके लिखा, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर उनकी तरफ से बताया जा रहा है इस वाले क्षेत्र को। यह हमारे लिए इंडिपेंडेंट कश्मीर है,
और जब बात पीओकी की करोगे तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेन रीजन है, विशेष तौर पर ये जो गिलगित एजेंसी और बल्तिस्तान का क्षेत्र है। माउंटेन रीजन होने के साथ साथ यहाँ सिया प्रजाति बहुत अधिक है, मुस्लिम समुदाय में सिया प्रजाति के लोग रहते हैं और वो ट्राइबल पीपल हैं। ट्राइबल पीपल का अर्थ है कि छोटे छोटे गुटों में बटे हुए लोग हैं। जब इनके साथ हम लोग बात करेंगे इन ट्राइबल पीपल्स की, माउंटेन रीजन है, इकोनॉमी के लिए बहुत कमजोर क्षेत्र है, यहाँ के लोग अर्थव्यवस्था में कोई विशेष योगदान नहीं दे सकते क्योंकि जियोग्राफिकल सरकमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है। जब बात इस सक्षम वैली की करेंगे तो ये सीओ के वन कहलाता है, चीनों को पाइड कश्मीर फर्स्ट कहलाता है। बात अक्साई चीन की करेंगे तो ये सीओ के टू कहलाता है। इस क्षेत्र को 1962 में वॉर में कश्मीर से या भारत से आप कह सकते हो कि चीन ने छीन लिया था। जब आप लद्दाख की करोगे तो ये बर्फीला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बुद्ध प्रजाति के लोग और सिख प्रजाति के लोग अधिक हैं। बुद्ध प्रजाति के लोग शांत प्रिय हैं और ये अपने आप को एक डिफरेंट यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने की मांग कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिए ये भी कोई अति महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, पर जब मैं गिलगित एजेंसी या बल्तिस्तान के क्षेत्र से तुलना करूंगा तो ये उसकी तुलना में थोड़ा बेहतर माना जाता है। उसके बाद जब इस कश्मीर का हम लोग डिवीजन करेंगे तो एक जम्मू का क्षेत्र है, ये प्लेन एरिया है, समतल इलाका है। ऐसे में यहाँ कृषि संभव है, एग्रीकल्चर संभव है, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है और यहाँ हिंदू प्रजाति बहुत अधिक रहती है। ये आप कह सकते हो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र है। यही कारण है 2014 के इलेक्शंस में अधिकतर सीटें जो यहाँ जीती गई हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर जीती गई हैं। जब बात सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इस कश्मीर वैली की करोगे तो कश्मीर वैली में शुरुआत में कश्मीरी पंडित जो हिंदू थे उसके साथ सुन्नी मुस्लिम, ये ध्यान देने योग्य चीज़ है कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी तो है परंतु वो सुन्नी कम्युनिटी है। और जब इस सुन्नी कम्युनिटी की बात करेंगे हम लोग तो ये कश्मीर का पूरा क्षेत्र टूरिज्म पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पूरे कश्मीर में चर्चा करें तो कश्मीर घाटी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ की जो आबादी बहुसंख्यक है वो सुन्नी मुस्लिम की है। इस हिसाब से आपको एक आइडिया लग गया होगा क्योंकि जब ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं जो इतिहास से जुड़े हैं उन पर अलग अलग टिप्पणी होती है। मेरा किसी राजनीतिक संबंध नहीं है ना, और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हो सकते हैं वो किसी तरीके का दृष्टिकोण रखते हों, पर मेरा एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, जो फेवरेबल हो, हमें उसका सपोर्ट खुलकर करना चाहिए। जैसे आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मिराज 2000 का अटैक किया गया तो उस अटैक के बाद पूरी फेसबुक पर एक माहौल उत्पन्न हो रहा है कि ये इंदिरा गांधी की देन है या इस तरीके की व्यवस्थाओं को उत्पन्न किया गया है। मैंने आपको पहले ही डिक्लेयर किया था कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट करने के लिए चीज़ कही थी कि 1978 में इस मिराज को बनाया गया, ठीक है। 1978 के बाद इस मिराज को डेवलप किया गया और इंदिरा गांधी के पीरियड में किसी तरीके की मैं आपको कह सकता हूँ कि पूर्णतः इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। ये चर्चाएं राजीव गांधी की सरकार के दौरान विस्तृत तौर पर विकसित की गई थी। जब हम लोग ऐसे ही पर्सपेक्टिव पर चर्चा करते हैं जो इतिहास से जुड़े होते हैं, विवाद के विषय इसलिए हो जाते हैं कि तत्कालीन दृष्टिकोण में हम लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम लोग किताबों में पढ़कर या जैसा सुनते हैं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जैसा हम लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं इनके आधार पर निर्णय ले लेते हैं। तो मैंने आपको ये एक नक्शे के माध्यम से एक दृष्टिकोण समझा दिया है कि इस जम्मू कश्मीर रियासत में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है कश्मीर घाटी, पर वो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है। यहाँ सुन्नी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित हैं, दोनों याद रखना, पंडित थे अब यहाँ नहीं है, उसका क्या कारण हम आगे पढ़ेंगे। और सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है। दूसरे के लिए जम्मू महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरे पॉइंट पे लद्दाख महत्वपूर्ण, जो सबसे गैर उपयोगी क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में, ये ग्रीन डॉटेड जितना भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सबसे गैर उपयोगी इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। और यहाँ सिया कम्युनिटी भी है, तो मैं आपका एक पूरे विश्व के दृष्टिकोण में एक मुद्दे पर ध्यान खींचना चाहूंगा कि सिया और सुन्नी एक ही रिलीजन से संबंध रखते हैं, वो इस्लाम से, पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे इस राष्ट्र भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा एक प्रमुख मुद्दा है,
वैसा ही इस पूरी दुनिया में शिया और सुन्नी के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। अगर आप लोग आईएसआईएस से वाकिफ होंगे तो एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जो एंटी शिया है और पूरी दुनिया को सुन्नी फेवरेबल बनाना चाहता है। इस पूरे परस्पेक्टिव में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने कहा कि ये पीओके का जो क्षेत्र है ये सिया परस्पेक्टिव है, और जब कश्मीर की बात करेंगे तो सुन्नी परस्पेक्टिव है। अब मैं अपनी पुनः उस मुद्दे पर आता हूँ जब हमने डिस्कस किया था कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ, और मैंने आपको कहा था कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर जिस व्यक्ति ने साइन किया था वो पाकिस्तान था, अर्थात पाकिस्तान ने राजा हरी सिंह के दोस्ती के प्रस्ताव को स्वीकार किया। भारत सरकार ने इस दोस्ती के स्वीकार प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू का वैचारिक निर्णय था, और कुछ लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला का, आप कह सकते हो कि दोस्ताना व्यवहार या हो सकता है या राजनीतिक पृष्ठभूमि हो सकती है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो थे वो टू नेशन थ्योरी के परस्पेक्टिव में नहीं थे, अर्थात वो जम्मू कश्मीर को एक अलग क्षेत्र नहीं बनाना चाहते थे। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि वो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते थे। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि राजा हरी सिंह की मोनार्ची खत्म हो, और उस तानाशाही के खत्म होने के बाद वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार चले जो वहाँ के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा संचालित की जाए। और मैंने कहा कि 77% जो लोग हैं वो कौन से हैं, यहाँ मुस्लिम लोग हैं। जैसे ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ, राजा हरी सिंह अपनी सत्ता को चला रहे थे। इसी अगस्त के अगले महीने सितंबर में शेख अब्दुल्ला कश्मीर घाटी में सारे सुनियों को एकजुट कर एक राजनीतिक आंदोलन शुरू करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इशारे काफी हद तक समझ आ जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक टिप्पणी में किसी मुद्दे पर नहीं करना चाहता कि शेख अब्दुल्ला नेतृत्व करता है और सुन्नी समुदाय को एकजुट करता है, और एकजुट कर राजा हरी सिंह के विरुद्ध एक संघर्ष शुरू करता है। राजा हरी सिंह के खिलाफ उस संघर्ष को बढ़ावा देता है। राजा हरी सिंह के लिए एक आंतरिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होती है इस कश्मीर घाटी से सुन्नी समुदाय की तरफ से। जैसे ही ये राजनीतिक संघर्ष शुरू होता है, ये देखकर सियाओं में राजनीतिक अस्थिरता और संकट का डर पैदा होता है। सियाओं को लगता है कि सुनियों की सत्ता स्थापित होगी तो उन पर एक डर क्रिएट होगा, और ये वाजिब भी है दुनिया के परस्पेक्टिव में। ऐसे में जितना भी पहाड़ी क्षेत्र के सिया होते हैं ये पाकिस्तान की आर्मी को अपने पक्ष में लेते हैं, और पाकिस्तान की आर्मी के साथ बढ़कर वे राजा हरी सिंह के खिलाफ अग्रेशन शुरू कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर के महीने में ये अग्रेशन शुरू किया गया। उधर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो एक दोस्ती का प्रस्ताव राजा हरी सिंह ने रखा था, उसको पाकिस्तान ने स्वीकार किया था, परंतु अक्टूबर के महीने में मात्र 2 महीने बाद उस प्रस्ताव का वो उल्लंघन करते हैं और राजा हरी सिंह के खिलाफ राजनीतिक चुनौतियों को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया, शांति के प्रस्ताव को अशांति में तब्दील किया, और जो इसकी फितरत 1947 से है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति किस तरीके से उत्पन्न हो रही है। इस पाकिस्तान ने इन पहाड़ी सियाओं के पक्ष में लेकर राजा हरी सिंह पर आक्रमण किया। राजा हरी सिंह पर दोहरी चुनौती उत्पन्न हुई, एक तरफ शेख अब्दुल्ला का वर्चस्व और दूसरी तरफ इन लोगों को पाकिस्तान और सियाओं का वर्चस्व भारत के ऊपर, या आप कह सकते हो कि कश्मीर घाटी के ऊपर आक्रमण के तौर पर हुआ। राजा हरी सिंह ने दिल्ली सरकार से मदद की मांग की। 23 अक्टूबर 1947 को दिल्ली सरकार के समक्ष वो मदद की मांग करता है, और वो कहता है कि मुझे इस राजनीतिक संकट से बाहर निकाला जाए। और ऐसा इतिहासकारों पर विवाद का विषय है, हालांकि आपको अपने खुद खुले दिमाग और खुले विचारों से समझना होगा। मैं आपको इशारा कर सकता हूँ कि 23 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में चाहता था, ऐसा सरदार पटेल का भी मानना था, ऐसे अनेक इतिहासकारों का मानना है। और 23 अक्टूबर 1947 को उन्होंने जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए दिल्ली से पंडित नेहरू की सरकार से मदद की मांग की। शेख अब्दुल्ला पंडित नेहरू के साथ नेतृत्व करते रहे। अंत में 26 अक्टूबर 1947 को एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसे हम लोग विलय का समझौता कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि अब इन्हीं मुद्दों पर आगे इस आगामी कुछ महीनों में चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से आर्टिकल 370 इम्पोज किया गया। ये जो विलय का समझौता था ये हर रियासत के साथ किया गया था, पर रियासत के साथ इस विलय के साथ समर्पण का समझौता भी करवाया गया था। समर्पण का अर्थ है कि उन लोगों को लिखित तौर पर ये लिखवाया गया था कि रियासत पूर्णतः भारत की रहेगी,
लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के साथ केवल विलय का समझौता हुआ। इस विलय के समझौते के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का भाग होगा। और राजा हरि सिंह ने तीन चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस का सेक्टर, कम्युनिकेशन संचार का क्षेत्र और विदेशी मामले एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले भारत सरकार को सौंप दिए। इन पर बहुत चर्चाएं राजनीतिक दलों ने आज तक दी हैं। 2014 तक इस राष्ट्र में एक तरफा पार्टी का रूल भी रहा, इसलिए हो सकता है कि विशेष तौर पर यह डेवलप ना हो पाई। इन तीन मुद्दों पर समझौता हुआ कि तीन क्षेत्र जो होंगे ये भारत सरकार के अधीन होंगे और बाकी जम्मू कश्मीर के साथ कैसा व्यवहार होगा इस पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। परंतु यहां एक ध्यान देने योग्य बात है कि राजा हरि सिंह को यह मजबूर किया गया कि उन्हें एक साइन करना होगा कि आज से जो जम्मू कश्मीर का नया प्रशासक होगा वो शेख अब्दुल्ला होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक संघर्ष सितंबर के महीने में शुरू किया गया था सत्ता प्राप्त करने के लिए वो पूरा हुआ और शेख अब्दुल्ला यहाँ का नया प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया। राजनीतिक तौर पर यह पृष्ठभूमि पूरी हुई और शेख अब्दुल्ला यहाँ का नया प्रशासक बना। इसके बाद दोनों क्षेत्रों के बीच में भारतीय सेना की तैनाती की गई, एक युद्ध शुरू हुआ। अब एक डायरेक्ट वॉर बन चुकी थी, एक तरफ से जो सिया प्रजाति के लोग कर रहे थे और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर की रियासत रिस्पोंड कर रही थी, अब वो एक डायरेक्ट वॉर बन चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, इंडिया इस एग्रीमेंट के साथ उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रही थी। भारत पाकिस्तान के बीच में प्रत्यक्ष युद्ध शुरुआत हुई। इसी दौरान, इस युद्ध के दौरान ही क्या होता है कि देश का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस मामले को यूएनओ में उठाता है और यूएनओ में कहा जाता है कि ऐसा करने के पीछे लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह थी, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। और जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये इशारा किया कि हमें यूएनओ में इस मसले को उठाना चाहिए, तो पंडित नेहरू ने यूएनओ में यह डिक्लेयर किया कि हम किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। और इस पूरे पृष्ठभूमि को यूएनओ ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को पारित करने के साथ ये कहा गया यूएनओ के अंदर कि भारत इस युद्ध को खत्म करना चाहता है और कश्मीर के विलय को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहता है। पर एक मुद्दा खड़ा हो जाता है, मुद्दा ये, कुछ लोग कहते हैं कि यूएनओ यूएसए के द्वारा डोमिनेंट था, ये 100% श्योर भी है। पर इस डोमिनेंस के साथ एक बड़ा इशू ये था कि कहा गया है कि पाकिस्तान के करीबी था। मैं इस तथ्य पर थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यूएसए की जो पॉलिसी थी वो कभी पाकिस्तान और इंडिया के फेवर या अनफेवर में नहीं थी टिल 1964। ठीक है, 1964 दे यूज टू मेक बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा हकीकत था कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों ही डेमोक्रेटिक थे और उस शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद और लोकतंत्र का संघर्ष चल रहा था। पर जो प्रमुख मसला बना वो मसला इस चीज का था कि जम्मू कश्मीर की, जैसा राजा हरि सिंह मानता था कि एक भौगोलिक महत्व है, कहीं ना कहीं ये सोवियत संघ और चीन के बीच का क्षेत्र है जो दोनों ही साम्यवादी पृष्ठभूमियों की तरफ बढ़ चुके थे। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि इस मुद्दे पर हस्तक्षेप उनका ज्यादा हो और यूएनओ ने एक विवादित सा निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि दोनों ही क्षेत्रों को, इस क्षेत्र से अपनी मिलिट्री को हटाना होगा, यानी पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को यहां से अपनी मिलिट्री को हटाना होगा। और मिलिट्री को हटाने के बाद इस क्षेत्र में हम लोग शांति कायम करेंगे, यूएनओ की निगरानी में 5 राष्ट्र होंगे और वो 5 राष्ट्र इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। शांति स्थापित होने के बाद यहाँ रेफरेंडम होगा, यहाँ जनमत संग्रह करवाया जाएगा। जब लोग इस रेफरेंडम की बात करते हैं, इस जनमत संग्रह की बात करते हैं, ये शांति स्थापित होने के बाद किया जाएगा और पूर्णतः इन दोनों क्षेत्रों को खाली करना होगा। भारत सरकार ने इस रिजोल्यूशन को स्वीकार नहीं किया और इसको रिजोल्यूशन 39 कहा जाता है। ये 20 जनवरी 1948 को यूएनओ के द्वारा पारित किया गया था। भारत सरकार ने पूर्णतः सेना हटाने से इनकार कर दिया। बाद में अप्रैल 1948 में रिजोल्यूशन 47 प्रस्ताव संख्या 47 पेश किया गया। उसमें कुछ संशोधन किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान तो इस पूरे क्षेत्र से, यानी जो सिया बहुसंख्यक क्षेत्र था या जो मैंने आपको बताया पीओके का क्षेत्र था, वहां से अपनी सेना को वापस हटाएगा और जितने भी आप कह सकते हो कि जो
वहां पर आतंकवादी या किसी तरीके के घुसपैठिए जो भेजे गए थे उनको वापस बुलाएगा, भारत इस क्षेत्र में सेना वापसी करेगा और एक न्यूनतम सेना मेंटेन करेगा जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, ऐसा रखा गया। पर भारत सरकार ने प्रस्ताव संख्या 47 में खुलकर समर्थन नहीं दिया। हम लोगों ने हालांकि ये स्वीकार किया कि हम लोग भी शांति चाहते हैं। पंडित नेहरू ने एक विवादित सा निर्णय ले लिया, वो निर्णय ये था कि शांति स्थापित होने के बाद ही इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि कश्मीर का किस तरीके से संवैधानिक संबंध भारत के साथ विकसित किया जाएगा। ये पृष्ठभूमि उस दौरान चल रही थी जिस दौरान एक तरफ युद्ध चल रहा था और आखिरकार एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है 1 जनवरी 1949 को, उसको हम कहते हैं सीज फायर एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के तहत हम लोग तुरंत शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं दोनों तरफ से और गोलीबारी को बंद करने का आदेश दिया जाता है। अर्थात मैं आपको कहूं तो एक युद्ध जो शुरू किया गया था 22 अक्टूबर की रात को, उस युद्ध को 1 जनवरी 1949 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और दूसरी तरफ यूएनओ में मसला उठ चुका था, यूएनओ ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या अपने वैश्विक महत्व को लाभ उठाने के लिए अमेरिका ने इस निर्णय पर एक विवादित निर्णय दिलवा दिया था। वो ये था कि शांति स्थापित होने के बाद इस क्षेत्र में जनमत संग्रह होगा और निर्णय जम्मू कश्मीर की जनता करेगी कि उन्हें हिंदुस्तान में शामिल होना है या पाकिस्तान में, या वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। उधर युद्ध खत्म हुआ, इस पूरे प्रावधान के दौरान भारत का संविधान निर्माण चल रहा था और जब संविधान निर्माण चल रहा था तो जो सबसे बड़ा बहस हुआ वो बहस ये थी कि क्या संवैधानिक स्थिति अपनाई जाएगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी जो जम्मू कश्मीर के साथ अपनाई जाएगी, क्योंकि मुद्दा अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका था और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक निर्णय लिया गया कि हम लोग क्या है आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। मेरी चीजों को थोड़ा गौर से समझना क्योंकि अब यही विवाद का विषय बनेगा। आर्टिकल 370 जिस पर एक लाइन लिखी गई कि एक टेम्पररी प्रोविजन होगा, एक अस्थायी प्रावधान होगा, परंतु एक विशेष राज्य के तौर पर दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को। और विशेष राज्य के तौर पर जब दर्जा दिया गया तो एक निर्णय लिया गया कि वही चार चीजें, शुरुआत में विलय के समझौते के दौरान तीन चीजें थी, एक रक्षा, दूसरा संचार, इस रक्षा संचार के साथ विदेशी मामले, और अब एक नई चीज और जोड़ दी गई कि वित्त से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे ये भारत सरकार के अधीन होंगे। यानी इन चार मुद्दों पर निर्णय केवल भारत सरकार लेगी, इन पर किसी राज्य का या जम्मू कश्मीर राज्य का किसी भी तरीके का विशेष हस्तक्षेप नहीं होगा। इन चार को छोड़कर अन्य पर क्या स्थिति होगी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के दौरान शेख अब्दुल्ला, जिसने वहां नई अंतरिम सरकार बना ली थी, उस अंतरिम सरकार में शेख अब्दुल्ला ने एक प्रस्ताव रखा पंडित नेहरू के सामने। वो प्रस्ताव ये था कि शेख अब्दुल्ला और जो उनकी पार्टी है वो जम्मू कश्मीर में एक संविधान सभा का निर्माण करेगी, एक ऐसी संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्धारण करेगी और निर्धारण करने के साथ साथ भारत के साथ किस तरीके का संवैधानिक स्थिति होगी इसका ऊपर भी निर्णय लेगी। पंडित नेहरू ने इस कूटनीतिक निर्णय को स्वीकार किया, कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक प्रलोभन की वजह थी जो दोनों के बीच में थी, आगे चलकर गठबंधन की सरकारें भी बनती हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि पंडित नेहरू कूटनीतिक दृष्टिकोण में निर्णय लिया गया, हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण में सोचने की आवश्यकता है। उस आधार पर अगर देखा जाए तो पंडित नेहरू का जो डिसीजन था वो इस बेसिस पे था कि भारत पर आरोप है कि कश्मीर का विलय हमने जबरन करवाया है, या ऐसा आगे चलकर आरोप लग भी सकता है, ऐसे मुद्दे को शांत करने के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि वहां की संविधान सभा किस तरीके का संवैधानिक संबंध भारत के साथ चाहती है इस पर चर्चा की जाए। और उन्होंने शेख अब्दुल्ला के प्रस्ताव को स्वीकार किया। जब प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो आर्टिकल 370 की रूपरेखा तैयार की गई और उस आर्टिकल 370 में एक बहुत बड़ा मसला उठ गया। मसला देखो, इन चार चीजों को छोड़कर जो मैंने आपको बताई कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, इन चार मुद्दों को छोड़कर अन्य कोई भी मुद्दा जो होगा वो राज्य सरकार की अनुमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू होगा। अर्थात जम्मू कश्मीर का खुद का एक संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान होने के साथ खुद का एक झंडा होगा, एक ऐसा झंडा
जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बराबर का दर्जा रखेगा। हालांकि कुछ इतिहासकारों में लिखा है कि भारतीय ध्वज का सम्मान करने का प्रावधान जम्मू कश्मीर के संविधान में नहीं है, परंतु यह अपितु गलत होगा। उन्होंने अनुच्छेद 1 स्वीकार किया है जो इंडिया की सवर्नटी है ना, ऐसे में भारतीय ध्वज के बराबर ही उनके ध्वज को दर्जा मिला और वो किसी भी तरीके से भारतीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते हैं कानूनी तौर पर। इसके साथ साथ अनुच्छेद 1 जम्मू कश्मीर पर लागू होगा और कुछ अपवाद किए गए हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। कुछ प्रोविजंस अनुच्छेद 1 के साथ किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 3 लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमा बदलनी हो, उसके क्षेत्र को कम ज्यादा करना हो, ऐसा करने का अधिकार देश की संसद के पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। पर यहां डिसीजन लिया गया कि अनुच्छेद 3 लागू नहीं होगा, अर्थात जम्मू कश्मीर के किसी क्षेत्र को कम ज्यादा करना हो, जम्मू कश्मीर का नाम बदलना हो, या किसी क्षेत्र को पाकिस्तान को लेना हो, पाकिस्तान देना हो, ऐसा करने का काम देश की संसद नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ मौलिक अधिकार बाध्यकारी नहीं होंगे, मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं होंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व बाध्यकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, ऑल्दो हम लोग नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं जब भी युद्ध के आधार पर। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी युद्ध के आधार पर या भारी आक्रमण के आधार पर राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो हम यहाँ जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू कर सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल जो होगा वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, यानी वहाँ के संविधान के अनुसार होगा, और इस तरीके के कुछ विशेष प्रावधान रखे गए, कुछ 35A का है जिस पर हम कल चर्चा करने वाले हैं, इस तरीके के विशेष प्रावधानों को जम्मू कश्मीर को दिया गया। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि स्पेशल स्टेटस मिला, उस स्पेशल स्टेटस में कंडीशन रख दी गई कि देश की संसद 4 मुद्दों पर तो बिना राय या बिना किसी सहमति के निर्णय ले सकती है, इन 4 मुद्दों के अलावा कोई भी निर्णय लेना हो तो वो निर्णय लेने के लिए आपको तत्कालीन राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। राज्य सूची के विषय पूर्णतः इन पर लागू रहेंगे और समवर्ती सूची या संघ सूची के विषयों पर कानून बनेगा इन 4 मुद्दों को लेकर, इन 4 के अलावा किसी विषय को लेकर तो ये राज्य की अनुमति से ही बनेगा। ऐसा व्यवहार 28 राज्यों के साथ इस भारत के संविधान में नहीं किया जाता है, परंतु जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा किया गया। इसके साथ साथ जो अवशिष्ट विषय होते हैं, अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो तीनों सूचियों में नहीं होते, 28 राज्यों के लिए ये केंद्र के पास होते हैं, यानी जो तीनों सूचियों में विषय नहीं होते वो उन पर कानून केंद्र बना सकता है, परंतु जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान के तौर पर उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल जम्मू कश्मीर की रियासत को है। इस विशेष व्यवहार से एक प्रस्तुति उत्पन्न हुई, एक सत्ता निर्धारण हुई। अब एक ध्यान देने योग्य विषय जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में जो याचिका दायर की गई है, उस याचिका के साथ एक प्रमुख मुद्दा बना है। वो मुद्दा यह है कि आर्टिकल 370 को कैसे हटा सकते हैं। एक शब्द है बहुत उपयोगी है समझने के लिए, आर्टिकल 370 को हटाने का प्रावधान आर्टिकल 370 में खुद लिखा गया है। वो प्रोविजन लिखते समय जो लैंग्वेज है अब वो एक डिस्प्यूट का मैटर बन चुकी है। उसमें लिखा गया है कि देश का राष्ट्रपति इस अस्थायी प्रावधान को अपने आदेश से समाप्त कर सकता है, यानी ये जो आर्टिकल 370 का प्रोविजन है इसे देश का राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है, परंतु शर्त होगी, वो शर्त ये होगी कि देश के राष्ट्रपति को इस प्रस्ताव की मंजूरी अर्थात इस प्रावधान को हटाने की मंजूरी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा देगी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली देगी, यानी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुमति से देश का राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। अब सवाल यह है कि जो संविधान सभा है वो वर्तमान में अस्तित्व नहीं रखती है जम्मू कश्मीर में, और इस मुद्दे को लेकर ही विवाद का विषय बना हुआ है। हालांकि इससे पूर्व कपिल सिब्बल ने एक याचिका दायर की थी 2014 से पूर्व, उस याचिका में देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। खारिज करने के पीछे रीजन क्या था कि कपिल सिब्बल का मानना था कि आर्टिकल 368 जो है उस आर्टिकल 368 के तहत
आर्टिकल 370 में हम लोग संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसके अनुसार देश की संसद मिलकर किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल 370 पर भी आर्टिकल 368 लागू होगा। अब उस दौरान देश की सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जम्मू कश्मीर की सरकार की अनुमति के साथ इस तरीके का निर्णय लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की कि आर्टिकल 370 को देश का प्रेसिडेंट अकेले नहीं हटा सकते हैं, उनको राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अर्थात इस मुद्दे के उठने से पहले, यानी इन 5-7 दिनों से पहले, संपूर्ण राष्ट्र में यह स्वीकार किया जाता था कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए देश के राष्ट्रपति को पहले मंजूरी लेनी होगी जम्मू कश्मीर की सरकार से। पर अभी जो पिछले 2 दिन से राजनीतिक गलियारों में संविधान के विशेषज्ञों का जो मुद्दा बना हुआ है, वो मुद्दा यह है कि जो भाषा संविधान के अनुच्छेद 370 में काम ली गई है, वो भाषा यह है कि देश का राष्ट्रपति इस अस्थायी प्रावधान को हटा सकता है जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुमति से, और जो संविधान सभा वर्तमान में अस्तित्व नहीं रखती, इसलिए कुछ लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि देश का राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पावर लाकर इस आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटा सकता है। और कुछ लोगों का आज तक मानना था, या जो प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी, तो उसमें ये मानना था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा विधान परिषद की अनुमति के बाद ही हम आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर चर्चा की जाएगी कि संविधान सभा जो शब्द काम लिया गया है उसका विस्तृत वर्णन देश की सुप्रीम कोर्ट करेगी। ऐसा करने के पीछे उचित कारण है, इस राष्ट्र के संविधान पर किसी भी तरीके का विवाद होता है या उसकी भाषा पर किसी भी तरीके का विवाद होता है तो उसको जो उल्लेख करने का कार्य करती है वो देश की सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट वो अंतिम अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि हमें इस पूरे संविधान से जुड़े विवाद को किस तरीके से सुलझाना चाहिए। तो इस पर क्या फैसला आता है उसके बाद ही हम लोग चर्चा करेंगे। एक अंतिम आउटलाइन है, और वो आउटलाइन ये है कि हमारे लिए चर्चा का विषय ये है कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, यानी आर्टिकल 370 का प्रोविजन हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। इस पर हम लोग कल कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ बैठकर चर्चा आपको लाइव प्रसारण पर दिखाएंगे कि सब लोगों का क्या राय है। पर अंतिम में जो मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि टिल 2014 जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स एक डोमिनेंट पॉलिटिक्स थी, और डोमिनेंट पॉलिटिक्स का अर्थ है कि कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति पर उन लोगों का दबाव था टिल 2014। उस दबाव के दौरान आर्टिकल 370 एक विवाद का विषय रहा, परंतु कभी भी प्रमुख चर्चा का मुद्दा नहीं बन पाया, और उसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल रीजंस हो सकता है। जम्मू कश्मीर को ऐसा प्रतीत कराया गया कि आर्टिकल 370 जो है वो कभी भी स्टेट असेंबली की अनुमति के बिना रिमूव नहीं होगा। यही वो कारण है कि यहाँ राजनीतिक पार्टियों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहा, रीजनल पॉलिटिक्स हमेशा डेवलप रही है, ठीक है, यहाँ कभी भी केंद्र की राजनीति हावी नहीं हुई, और क्षेत्रीय राजनीति ने इस 370 को एक हथियार बना रखा है, एक ऐसा हथियार जो उनको मजबूत करता है एक विशेष प्रावधान के लिए। इस देश में इस 370 को लेकर दो राय हैं। 28 राज्यों का ये मानना है कि आर्टिकल 370 एक वो विशेष समस्या है जिस समस्या की वजह से यहाँ अलगाववाद पैदा हुआ है, अलगाववादी नेताओं ने अलग होने की मांग को बढ़ावा दिया है, लोगों में एक विशेष माहौल उत्पन्न किया गया है, और यहाँ के लोग अपने आप को इस विशेष दर्जे का लाभ उठाते हैं। इस लाभ की वजह से ही वो लोग नई चुनौतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, टेररिज्म को एक्सपेंड कर रहे हैं या पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों की पॉलिसी को मजबूत कर रहे हैं। पर ये जो आर्टिकल 370 था, कुछ लोगों का मानना है कि इसी की वजह से इन लोगों को हम लोग मानसिक तौर पर भारत में विलय कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग भौतिक तौर पर तो विलय कर चुके हैं 23 अक्टूबर को, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मानसिक तौर पर इनका विलय हो, तो इस विशेष प्रावधान से इनकी रक्षा की जा रही है, इस रक्षा के तहत इनका विलय भारत में किया जाएगा। ये अलग अलग दृष्टिकोण है, और इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग कल शुरू करेंगे। इसके साथ जो प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो कल 2-3 दिन पहले राज्यसभा के न्यूज चैनल में भी था, वो ये है कि आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्पररी प्रोविजन है, और उस टेम्पररी प्रोविजन को
भारत की अंतरिम सरकार ने और जो जम्मू कश्मीर की शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में अंतरिम सरकार थी, इन दोनों सरकारों ने मंजूरी दी थी। ऐसे में इसे हमेशा के लिए ये तभी नष्ट हो जाता है क्योंकि जब दोनों अंतरिम सरकार नष्ट हो चुकी हैं। परंतु मैं आपको यहाँ एक विषय ध्यान में रखवाना चाहूँगा कि 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक साइन हुआ था। वो साइन ये था कि आर्टिकल 370 के प्रोविजन को हम लोग अनिश्चित समय के लिए बढ़ा रहे हैं, यानी आर्टिकल 370 का जो प्रोविजन है या जो विशेष व्यवहार जम्मू कश्मीर के साथ संवैधानिक तौर पर किया गया है, इसको हम लोग अनिश्चित समय के लिए बढ़ा रहे हैं। तो आप इस आधार पर 370 को हटाने की दलील करते हैं तो ये दलील मेरी राय में संविधान या सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि 1974 में बाई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से स्वीकार किया गया था कि हम लोग आर्टिकल 370 को एक लंबे समय के लिए बढ़ा रहे हैं, अनिश्चित समय के लिए बढ़ा रहे हैं। अब केवल जो चर्चा का विषय रहेगा वो ये होगा कि जो प्रावधान लिखा गया है कि आर्टिकल 370 को हम हटा सकते हैं देश के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से, पर ऐसा आदेश जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा मंजूरी मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में उसको लेकर किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है यह अति महत्वपूर्ण होगा हमारी एग्जाम के पर्सपेक्टिव में या इन मुद्दों पर। पर जब यूपीएससी ट्रेंड की बात करें तो यूपीएससी ट्रेंड ये जानना चाहता है कि आर्टिकल 370 हटाना नेशन के फेवर में होगा कि फेवर में नहीं होगा। तो इन दोनों ही मुद्दों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि फेवर में होगा या नहीं होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।